अस्सलाम वालेकुम, मैथ्स एंड एनटीएसटेक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। यहाँ पर मैथमेटिक्स का पोर्शन जो एसटीएस की तरफ से जो टेस्ट हुआ है ग्रेड 15 मैथमेटिक्स पोर्शन को सॉल्व करेंगे। तो ये पूरा क्वेश्चंस तो ब्लर है, यहाँ पे भी थोड़ा सा मिसिंग है। तो इस 43 क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। f7x+3=24, द वैल्यू ऑफ 5 - 4x इज -23, -7, 1, 17। तो चलो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, सोल्यूशन आपको बताते हैं इसका। तो यहाँ पर देख सकते हैं f7x = this, तो लिहाजा 7x आप करेंगे +3=24 है। तो 7x = इस 3 को आप यहाँ पर दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और अगर 7 पर दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो x = 3 हो जाएगा। और देन हमारे पास 5 - 4x है, तो अगर उसमें इसकी वैल्यू अगर पुट कर लें 5 - 4 × 3, 4 × 3 = 12, 12 में से अगर आप 5 निकालेंगे -7, यही हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन नंबर 44 है। यहाँ पर द डोमेन ऑफ f(x) = 1/x + 2, इसका अगर डोमेन आपने निकालना है, देखें अगर इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे यानी x की जगह -2 + 2, तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा। जब 0 होगा तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 वो इन्फिनिटी अनडिफाइन होगा। तो इसमें बाकी सारे कंडीशन क्लियर होंगे, लेकिन ऑल द रियल नंबर एक्सेप्ट -2, यानी ऑप्शन बी आपके पास बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज परपेंडिकुलर है, पैरेलल है, एडजेसेंट है और क्वाड है। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन ए जो है परपेंडिकुलर आएगा। कैसे आएगा तो चलो बता देता हूँ। तो लिहाजा यहाँ पर जो ऑप्शन था, यहाँ पर इसको आप देख सकते हैं, इस तरह आप टेंजेंट ड्रा करेंगे और ये हमारे पास इसका हो जाएगा सोल्यूशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 46 है। अ मैन अर्न्स ₹5,000 फॉर हिज फर्स्ट 40 इयर्स ऑफ वर्क इन अ वीक एंड देन पेड डबल ऑफ रेगुलर हार्शली रेट अर्न 6,000 इन अ वीक। और इससे पहले हमारे पास एक और क्वेश्चन बल्कि ये था, इसको बाद में सॉल्व कर लेते हैं, 47 को पहले कर लेते हैं। देयर आर 40 मिनट्स टू सॉल्व अ टेस्ट ऑफ 60 क्वेश्चन, अ स्टूडेंट कंप्लीट 20 क्वेश्चन इन 20 मिनट्स, ही कंटिन्यू विद द सेम स्पीड एंड लीव द हॉल 10 मिनट्स अर्लियर, द नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व By him is dash। तो चलो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर देखें टेक्निकली थोड़ा सा हमने इसको सॉल्व किया है। अगर 40 मिनट में वो 7 क्वेश्चन सॉल्व करता है तो 4 मिनट में 6 करेगा, और 2 पर तकसीम करें तो 2 मिनट में वो 3 क्वेश्चन करेगा। तो 20 मिनट में अगर 20 क्वेश्चन करता है, समझो अगर 1 मिनट में वो एक ही क्वेश्चन करता है, और अगर 10 मिनट हल्को पहले छोड़ता है, यहाँ पर अगर वो 1 मिनट में 1 क्वेश्चन करता है, लिहाजा 40 मिनट में 40 क्वेश्चन करेगा, 20 हमारे पास रह जाएगा। 20 हमारे पास ये है और 10 मिनट पहले हो जाता है, तो 1 मिनट में अगर एक और क्वेश्चन करता है तो 10 वो भी रह जाएंगे। तो इस तरह ये टोटल आपके पास 30 आ जाएगा। तो 30 वहाँ पर ऑप्शन में मौजूद है, यही हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 48। इफ द सम ऑफ ए बी एंड सी इज ट्वाइस द सम ऑफ ए माइनस बी एंड ए माइनस सी एंड द डिफरेंस ऑफ ए प्लस बी एन ए माइनस सी इज 3, देन वैल्यू ऑफ ए इज 1 - 1, 9 और 3। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको भी डिटेल के साथ। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन देखेंगे, इफ द सम ऑफ ए बी एन सी इज ट्वाइस, यहाँ पर इस तरह फर्स्ट कंडीशन यानी ए प्लस बी आप करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, इसको डबल करेंगे 2 × a - b प्लस ए माइनस सी, यानी दोनों को प्लस करके उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया है। तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2 × 2a, हमारे पास a और a 2a, माइनस बी माइनस सी 2 अगर कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर, तो a प्लस बी सी इज इक्वल टू 2 × 2a, यहाँ से माइनस अगर कॉमन ले लेंगे माइनस a × b प्लस सी हो जाएगा, हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो गया। थोड़ा सा आप जाएंगे सेकंड कंडीशन, हमारे पास जो इस तरह गवन था a प्लस बी, अगर इसको डिफरेंस करते हैं माइनस a माइनस सी इज इक्वल टू 3 है, तो a प्लस बी माइनस a माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस सी, और ये हमारे पास कैंसिल हो गया, यहाँ पर ए और ए कैंसिल हो जाएगा, तो लिहाजा बी प्लस सी इक्वल टू 3। अगर बी प्लस सी की वैल्यू 3 है तो इसको 1 में आप पुट करेंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2 × 2a माइनस बी प्लस सी, अगर इसमें वैल्यू पुट करेंगे ए प्लस 3 इज इक्वल टू 2 × 2a - 3 हो जाएगा, और सर ए प्लस 3 इज इक्वल टू 4 a - 6,
और इसी तरह ये हमारे पास अगर 4a को लेफ्ट में लेकर आते हैं माइनस 3a और राइट में माइनस 6 माइनस 3 इक्वल माइनस 9 माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा 3 3 9 तो a की वैल्यू 3 आ जाएगी। यही हमारे पास इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन है। एक और क्वेश्चन करते हैं और ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारे पास 49 है। इन अ क्लास देयर आर 27 स्टूडेंट इफ देयर आर 7 मोर गर्ल्स एंड बॉयज इन द क्लास हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर गर्ल्स 15 17 20 और 23। तो चलो इसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं लेट द नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू एक्स अकॉर्डिंग टू द कंडीशन 7 लड़कियाँ उसमें से ज़्यादा है तो गर्ल्स जो है एक्स प्लस 7 हो जाएगा। फिर अगर हम इसको सम करें एक्स प्लस 7 इक्वल 27 है 2x इक्वल टू 27 माइनस 7 हो जाएगा और 2x इक्वल टू 20 अगर 2 पर डिवाइड करेंगे x इक्वल टू 10 और नंबर ऑफ गर्ल्स हमारे पास एक्स प्लस 7 था तो एक्स की जगह 10 प्लस 7 इक्वल टू 17। यही हमारे पास आंसर था। बाकी क्वेश्चन इंशाल्लाह हम बाद में सॉल्व करेंगे टाइम मिलेगा तो। वीडियो अगर अच्छी लगी वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरिट लिस्ट और रिजल्ट वगैरह का अपडेट यूट्यूब पर बर वक्त नोटिफिकेशन आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।